हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है क्रिएटिव स्टूडियो चैनल पर। और आज की हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप लोग एडोब फोटोशॉप CS3 में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाएंगे, और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाने में कैसे आप लोग बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, और बैकग्राउंड चेंज करने के बाद उसको कैसे आप लोग 4x6 की पेपर पर सेट करेंगे, और साथ साथ उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सब हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो देखिए, हमने फोटोशॉप CS3 अपना ओपन कर लिया है यहाँ पे, और सबसे पहले हमें जाना है फाइल मेनू में। यहाँ पे हमें जाना होगा ओपन पर, जाना है यहाँ पर, ओपन पर क्लिक करेंगे और हमें जो भी फ़ोटो लेनी है उसको यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये हमारी देखिए फ़ोटो ओपन हो चुकी है फोटोशॉप में। अब इसके बाद हमें इसको पासपोर्ट साइज में क्रॉप करना है सबसे पहले। तो ये देखिए क्रॉप टूल है यहाँ पे टूल बार में, ये टूल बार है और ये क्रॉप टूल है, यहाँ पे हमें जाना है। और देखिए विड्थ है, हाइट और रेजुलेशन, तो हमें इसमें विड्थ में देना है 3.5 cm और फिर हाइट में जाएंगे हम, इसमें देना है 4.5 cm और रेजुलेशन में दे देना है हमें 300। इसके बाद यहाँ से हम क्रॉप करेंगे इसको, आपको जितना क्रॉप करना होगा फ़ोटो को उतना क्रॉप कर लेना होगा आप लोगों को। इस तरीके से हम क्रॉप करेंगे और यहाँ से ये जो चेक मार्क है यहाँ से ट्रिक करेंगे या इंटर बटन हिट कर देंगे तो हमारी फ़ोटो ये क्रॉप हो जाएगी। देख सकते हैं फ़ोटो हमारी क्रॉप हो चुकी है। अब हमें इस फोटो की जो है डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो यहाँ पर देखिए लेयर मेनू है, तो कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे हम, कंट्रोल जैसे इसकी डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फोटो में जो है डार्क है यहाँ पर, तो इसको हमें सही करना है। तो सेलेक्ट मेनू में जाएंगे यहाँ पर, और कलर रेंज है, कलर रेंज पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे शैडो का ऑप्शन है, शैडो पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो जो भी शैडो होगा सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद शिफ्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे और फेदर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 का फेदर दे देंगे। कंट्रोल M से इसको लाइट करेंगे, जो भी एरिया डार्क है उसको हम लाइट कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा लाइट आ गई है फोटो में। अब इसके बाद कंट्रोल इसे इसको मर्ज करेंगे। अब देखिए मैं हमको क्या करना है कि थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है, तो फिर से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट लेयर है ये, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये होगा कलर बैलेंस, ये है कलर बैलेंस, इस पर हमें क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर कलर बैलेंस में शैडो है, मिड टोन है, हाईलाइट है, तो हमें मिड टोन को सही करना है। तो मिड टोन में सियान है और मैजेंटा येलो, तो फोटो में थोड़ा सा येलो आपको दिख रही होगी, तो हमको येलो टोन को कम करना है, ये ब्लू की तरफ हम इसको लेकर जाएंगे। देखिए फोटो में येलो माइनस होगा और इधर लगाएंगे तो येलो आ जाएगा फोटो में, तो हमको ब्लू चैनल की तरफ लेकर जाना है ब्लू, और ये जो सियान है हमको सियान थोड़ा सा माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तो देखिए फ़ोटो थोड़ा सा इसमें से ब्लू टोन हट गया है, अब यहाँ से ओके कर लेंगे। अब एक तरीका और, इसको हम फिर मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लाइट कम है, अभी हमारे इस फोटो में लाइट कम है, तो यहाँ से हम फिर एडजस्टमेंट लेयर पर जाएंगे और ये देखिए कर्व टूल है, कर्व टूल लेंगे हम और इसको हम बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, इस तरीके से बढ़ाएंगे। तो इसको हमको देखना है यहाँ पे कि कितना हमको रखना है, ये इस एरिया को हमको देखना है, इससे हमें मतलब नहीं है। इस एरिया को देखने के बाद हम जितना चाहिए हमको उतना अगर लेना हो तो यहाँ से ओके कर लेंगे। अब हम इस ये जो लेयर है हमारी कर्व लेयर, इसको हमको कंट्रोल आई से इन्वर्स कर लेना है, कंट्रोल आई इन्वर्स हो जाएगा हमारा ये फ़ोटो। थोड़ा सा इसको जूम कर लेंगे। अब ब्रश टूल लेंगे, बी से ब्रश टूल, या यहाँ से देखिए ब्रश टूल है ये। ब्रश टूल लेने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये डायमीटर छोटा करेंगे हम, ज़्यादा बड़ा है इसको देखेंगे यहाँ पर, आपको जितना लेना हो लेकर आप यहाँ पर ओके करेंगे। ये जो हार्डनेस है 0 रखेंगे, हमें इतना चाहिए। अब यहाँ पर जो ये डार्क एरिया है इसको ब्रश करेंगे यहाँ पर इस तरीके से ब्रश करेंगे तो देखिए डार्क एरिया जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम प्रेस घुमा देंगे ब्रश को, यहाँ पर भी रोटेट कर देंगे, ये देखिए ज़्यादा लाइट हो गई है, तो हमें यहाँ पे ये फिल है इसको हमको कम करना है, फिल को अपने फोटो के अनुसार हम कम बेसी कर लेंगे। अब इसके बाद ओके कर देंगे। अब सारे लेयर को मर्ज करना है हमें,
तो ये लेयर मेनू में जाएंगे और देखिए फ्लैटन इमेज है, इसको क्लिक कर देंगे तो लेयर हमारी सारी मर्ज हो जाएगी। अब हमें इसको इस फोटो में जो बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैजिक वन टूल है, मैजिक वन टूल लेंगे हम और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं कंट्रोल जैसे, और सिलेक्ट ये जो बैकग्राउंड है हमारा इसको सिलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पे एरिया हमारा छूट रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे भी सिलेक्ट करेंगे, ये पूरा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट F6 से फेदर देंगे इसमें वन का और ओके कर देंगे। इसके बाद हमें जो भी कलर यहाँ पे फिल करना हो, यहाँ देखिए कलर पिकर है, यहाँ पे ये फोरग्राउंड कलर है, यहाँ से हमें जो भी कलर इसमें लेना हो, हमें स्काई ब्लू लेना है हमें तो स्काई ब्लू लेंगे और ओके कर देंगे। अब फोरग्राउंड कलर में स्काई ब्लू आ गया। अब अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो इसमें देखिए कलर फिल हो जाएगा हमारा। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे इसको। अब हमारी फोटो जो है बनकर तैयार हो गई। अब हमें यहाँ पर एक्शन बनाना है, तो एक्शन बनाने के लिए देखिए ये एक्शन का यहाँ पर टैब बटन है, एक्शन टैब। अगर ये यहाँ पर आपको शो नहीं करेगा फोटोशॉप में तो आपको जाना होगा विंडोज में, और ये देखिए एक्शन है यहाँ पर, आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर टैब बटन आ जाएगा एक्शन का। इस पर हम क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर नीचे इसके कुछ ऑप्शन हैं। तो ये देखिए क्रिएट न्यू सेट का ऑप्शन है और ये क्रिएट न्यू एक्शन है, तो हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू सेट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे, तो हम पासपोर्ट नाम दे देते हैं पासपोर्ट, और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पासपोर्ट नाम से हमारा सेट बन गया है। अब हमें ये जो दूसरा है क्रिएट पास एक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर नेम पूछ रहा है तो नेम में डालना है। आप एक्शन वन जो लिखा है डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, तो मैं डाल देता हूँ पासपोर्ट, फिर से दोबारा पासपोर्ट, और सेट में यही रहेगा पासपोर्ट। और फंक्शन की यहाँ पर देना है तो F2 दे देंगे हम, और कलर में रेड या जो भी आपको देना दे सकते हैं, ये नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड होने लगा, ये जो रेड जल गया है यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगा। अब इसको हमको कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करना है फोटो को, और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, और कंट्रोल एन से न्यू पेज बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रीसेट है, तो यहाँ पे प्रीसेट बने बनाए हो सकते हैं, या तो यहाँ पे हम कस्टम है, यहाँ पे हम लेंगे कस्टम में, और ये जो पिक्सल है हमें इसको इंच में करना है तो इसको इंच में करेंगे। और विड्थ में हम डालेंगे 4, और हाइट में डालेंगे 6, और ये रेजोल्यूशन 300D रहेगा। अब यहाँ से हम करेंगे इसको ओके। ये एडवांस है तो यहाँ पे कलर प्रोफाइल होता है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, इससे आपको कुछ नहीं मतलब है। अब यहाँ से हमें इसको ओके करना है। अब हम कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, तो हमें देखिए फोटो यहाँ पे पेस्ट हो चुकी है। अब हमें इसमें स्ट्रोक लगाना है फोटो के चारों तरफ। जैसे स्ट्रोक लगाने से क्या होता है कि कटिंग फोटो करने के लिए सही रहता है, तो एडिट मेनू में जाना है और देखिए स्ट्रोक है, और यहाँ पे स्ट्रोक ये कलर हमको ब्लैक ही रखना है, आप जो भी दे सकते हैं, हम लोग ब्लैक ही ज़्यादा देते हैं। और विड्थ में 2 पिक्सल का देंगे, और इसमें ब्लेंडिंग मोड इसको कुछ नहीं करना आप लोगों को, ये 100 ही रहेगा, ये सेंटर पर ही रहेगा, और यहाँ से ओके जो ये ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रोक फोटो में लग चुका है। अब इसको हम यहाँ ड्रैग करके ले जाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए लेयर आपसा आ रहा है, तो हमको कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल सी टी से ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो कंट्रोल टी करेंगे तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे अब तो रोटेट का ऑप्शन आया, तो रोटेट करेंगे, रोटेट 90 डिग्री, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके लेकर आएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखिए एक हमारा यहाँ पर सेट तैयार हो गया। ये जो देख सकते हैं आप लोग सो ट्रांसफार्म कंट्रोल है, इसको हम यहाँ से बंद भी कर सकते हैं तो ये दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह के कर देंगे तो ये शो करने लगता है, तो हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब हम अल्ट प्रेस कर इसको ड्रैग करेंगे, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे अल्ट से। अब यहाँ ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे हम। देखिए डुप्लीकेट हमारी कॉपी बन गई एक और। अब ये लेयर मेनू में हमें जानना है और इस पहले वाले और दूसरे को सिलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, तो कंट्रोल ई से करेंगे तो ये दोनों लेयर मर्ज हो जाएगी। अब इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा बीच में लेकर आएंगे। अब फिर अल्ट प्रेस करके रखेंगे हम और इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे इस तरीके से, तो सेट करेंगे। फिर ये दोनों लेयर को हमको मर्ज करना है कंट्रोल ई से, फिर से इसको ड्रैग करके नीचे लेकर आएंगे। अब हमारी देखिए फोटो 8 फोटो यहाँ पर रेडी हो गई 4x6 पेपर पे। अब ये दोनों लोगों को हमको मर्ज करना है इस तरीके से, मर्ज कर लेंगे। अब ये जो एक्शन हमारा है, यहाँ से देखिए रिकॉर्ड बटन है इसको, ये स्टॉप बटन है इसको हम यहाँ प्रेस करेंगे तो हमारा एक्शन जो है बंद हो जाएगा। अब इसको हम प्ले करके दिखाते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं, तो कंट्रोल W से इसको हम बंद कर लेंगे, नो कर देते हैं।
अभी देखिए हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो है। अब F2 हम प्रेस करेंगे तो हमारा एक्शन रन करेगा। देख सकते हैं ये हमारी फ़ोटो एक क्लिक में तैयार हो गई पासपोर्ट। अब यहाँ से आप चाहें तो फाइल मेनू में जाकर और प्रिंट पे जाकर जाने के बाद प्रिंट दे सकते हैं फ़ोटो को। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कैनन प्रिंटर है तो प्रिंटर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। आपके पास जो भी होगा ले लेगा। और यहाँ पे सेटअप करना है, हमने 4x6 का पेपर लिया हुआ है तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड है। और मीडिया टाइप में फ़ोटो पेपर ग्लॉसी चूज करना है हमें। यहाँ से फोटो पेपर ग्लॉसी इसको चूज कर लेंगे और ये हाई क्वालिटी पे ही रखेंगे इसको। और ये प्रिंटर पेपर साइज है तो हमको 4x6 लेना है यहाँ से और ओके करेंगे। तो ये देखिए 4x6 में हमारी फ़ोटो यहाँ पे पूरी सेट हो चुकी है। अब हमें यहाँ से प्रिंट देना है, प्रोसीड करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे तो हमारी फ़ोटो जो है प्रिंट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे प्रिंट करना है नहीं, बस आप लोगों को जानकारी के लिए हम इतना बता दिए। और यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी फोटोशॉप CS3 में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो बनाकर उसको प्रिंट कर सकते हैं और एक्शन बना सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए हमारे धन्यवाद।